इन साथियों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज ई लर्निंग विद दुर्गेश की मैराथन सीरीज में। और आज एक महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र, जो सरकारी शिक्षक बनाने में आपकी सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है उसके लिए आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, चाहे TET की परीक्षा हो, सुपर TET हो, UPTET हो, मानी अभी की बार अगर टेट पार करना है, अब की बार एक सीट हमार करना है, तो सबसे पहले आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जब भी पेपर की शुरुआत होती है तो वहां से शुरुआत भी बाल विकास से होती है। माने 30 प्रश्न, कहीं 20 प्रश्न, कहीं 10 प्रश्न, मतलब यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में लाजमी है आना। तो जब आप इन चीजों को जानते हैं तो अपनी तैयारी को भी बेहतर करना चाहिए। यह क्लास काफी बड़ी हो सकती है, मतलब इतनी बड़ी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की हो सकती है। हम थियोरी के आधार पर पढ़ेंगे, एमसीक्यू बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम एक बार थियोरी पूरी कंप्लीट पढ़ लें। और जो थियोरी होगी ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के आधार पर होगी। और एक बार थियोरी कवर होने के बाद जब भी आप एमसीक्यू सीरीज हल करेंगे, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करेंगे। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। मैं अपने बचे हुए समय से मैं आपके लिए हमेशा की तरह इस बार फिर ये सीरीज लेकर आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर हमेशा की तरह बने रहेंगे। यकीन मानिए इसके बाद जो बाल विकास CDP शिक्षण के जो प्रश्न आते हैं, आप उसमें 30 में 30 करें या ना करें, लेकिन 25 से ज्यादा अंक लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए सभी सिद्धांत, सभी ट्रिक हम एक एक करके पढ़ाएंगे। और अभी तक हमेशा जैसे मैं हर विषय पर धीरे धीरे करके कमांड बना रहा हूं, ऐसे आपको भी हमेशा हर विषय पर कमांड बनाना होगा, क्योंकि आपको अपने परीक्षा का एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बन पाएंगे, सिलेक्शन से लगातार दूर होते चले जाएंगे। सभी लोग फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ, क्योंकि जब तक सफलता ना मिले तब तक रेस जारी रहेगी। जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे यह क्लास जारी रहेगी और हम आपके साथ रहेंगे। चलिए ठीक है, यहां पे इस नोट्स के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। और ये ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स है जो आप सभी को प्राप्त हुई होगी। सभी लोगों ने नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर ली होगी। अब उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह से ई बुक है, यह जो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए है। और यह ई लर्निंग विद दुर्गेश की सबसे बड़ी प्रस्तुति में से एक है। यहां पर आपके लिए एक पेज छोड़ा गया है, आइए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुर्गेश मैगजीन की महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे। माने आपके परीक्षा में एक प्रश्न ऐसे आता है कि प्रमुख सिद्धांत उनके प्रतिपादक कौन है। एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हो, चाहे पात्रता परीक्षा की तैयारी हो, चाहे CTET की तैयारी हो, माने यहां से एक नंबर आपके परीक्षा में आते हैं। आइए उस एक नंबर की तैयारी हम आपके साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रयास से त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, हम थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, मतलब बिलरा वाला सिद्धांत थॉर्नडाइक, कुकुरा वाला सिद्धांत पावलोव को, मतलब कुत्ते पर उन्होंने अपनी। तो यहां पे अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत ये कोहलर वर्दिमर कोप का। अब ये देखना है कि इसमें तीनों ऑप्शन में देता है ABC करके और आला दीज देता है या केवल कोहलर देता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। एक नंबर यहां से फिक्स आएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत वीफ स्कीन का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। माने एक ऐसे टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आना, प्रश्न का पूछा जाना तय है। उसके बाद अगर हम देखें तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये जेरोफ ब्रूनर का है। बालुका सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, मात्रात्मक सिद्धांत ये किसका, थॉर्नडाइक का। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में कई बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसका है, मैस्लो का है। ठीक है, हम आपके कमेंट हम बाद में ले लेंगे, सभी ये कमेंट लास्ट में लेंगे, पहले हम लोग पढ़ने पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना सपोर्ट करें, पहले केवल पढ़ने पर ध्यान दें। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कोट लेविन, अधिगम की सूचना का प्रसाधन का सिद्धांत
कॉल रोजर्स, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी थी। स्थानापन्न का सिद्धांत एडविन गुथरी, यह भी इंपॉर्टेंट है। एडविन गुथरी स्थानापन्न का सिद्धांत, कुछ सिद्धांत अंग्रेजी में पूछे जा सकते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत हेगर्टी के द्वारा, सक्रियता का सिद्धांत सोलिसबरी, मेलमो व लिंडसले के द्वारा, संतुलन स्थायित्व का सिद्धांत चैपलिन, कोयर, एप्पल का, अधिगम शाब्दिक का सिद्धांत आशुबोल, अधिगम के सूत्र सिद्धांत कोहलर, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, ये भी इंपॉर्टेंट है। माने हम उन पर सबसे पहले फोकस करेंगे जहां से परीक्षा में आपके सवाल आ चुके हैं। विश्लेषणात्मक का सिद्धांत कार जुंग, नव विश्लेषणवादी सिद्धांत युग एडलर हार्नी रिकॉम फोम, जीवन उपाधि जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत इरिक इरिक्सन, सील गुण उपगम का सिद्धांत मैस्लो, के प्रमुख सिद्धांत है। अब हम एक और अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो बचे हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं। जैसे आत्म प्रत्यय, प्रत्यय का सिद्धांत कॉल रोजर्स, प्रतिदर्शन का सिद्धांत थॉमसन, ये पूछा जा चुका है। पार्थित्की का सिद्धांत यूरी बोन फेन बिन्नर, संकाय का सिद्धांत रीड, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। धारा प्रवाह का सिद्धांत केटन, त्रियंशी का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, ये भी पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। आत्म संप्रत्यय अवधारणा का सिद्धांत विलियम जेम्स, हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल, संभावना का सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन, ये भी पूछा जा चुका है। अधिगम मनोविज्ञान जन्म एबिंगहॉस, शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ, हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किशोरावस्था से है, संवेग जन्म से वृद्धमान नहीं होते, आत्मज्ञात का सिद्धांत मैस्लो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलिन एंड, प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स कॉफमैन, सील गुण विशेषण का विशेषक का सिद्धांत आलपोर्ट, व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मूर। फिर हमने देखा सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच जेड, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जॉन डीवी के शिष्य थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि हेनरी विलियम हेनरी किलपैट्रिक, मापनी भेदक विधि एडवर्ड किलपैट्रिक, योग निर्धारण विधि लिंकर्ट, स्केनोग्राफ विधि गटमैन, विभेदक शब्द विधि असगुड, वंश सूत्र का नियम ग्रेगर जान मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है वंश सूत्र का नियम, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, यह इंपॉर्टेंट प्रमुख सिद्धांत था जो मैंने आपको बताया, जहां से परीक्षा में सवाल एक जरूर से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न फिक्स यहां से आते हैं। अब हम और आगे बात करते हैं। अब यहां पर है साहचर का सिद्धांत अलेक्जेंडर बैन, व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत गोलस्टीन, अधिगम सोपानी का सिद्धांत रॉबर्ट गैने, यह इंपॉर्टेंट है, सबलीकरण का सिद्धांत सी ए हल, तरुरूप का सिद्धांत कुटलेविन, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत बी कैपिटल, और प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत आर बी केटर, विकासात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत जीन पियाजे, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत है बुकैटले, बाल अपराध विज्ञान जनक सीजर लैम्सो, यह इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्राय पुस्तकों से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, यहां से प्रमुख पुस्तक से सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हम ध्यान देंगे, जैसे जो मैंने सीरीज पुस्तक लाई है जो आपके सामने लाइव दिख रहा है, इसमें दो बातें याद रखिएगा। पहली बात कि हो सकता है जो पुस्तक को हमने हिंदी में लिखा है या अंग्रेजी में आ जाए ट्रांसलेटेड, या अंग्रेजी में हो हिंदी में पूछ दे, तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि कहीं कहीं आपको ये कमी नजर आएगी कि परीक्षा में अंग्रेजी में पूछ दिया है, उस किताब का नाम हिंदी में पूछ दिया है, इससे थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक चीज डिफरेंस देखने को जानने को यहाँ पे मिल सकता है। प्रमुख पुस्तकें आज की सीरीज में काफी अहम योगदान देने वाली है। जैसे विलियम जेम्स की प्रमुख पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी सीरीज होने वाली है आपके लिए, ये बहुत बड़ी वीडियो होगी। क्लास खत्म होने से पहले पढ़ लीजिएगा, मैकडूवल की है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी माने सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। वाटसन का है साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर व्यूज इट व्यवहारवाद। ये प्रमुख पुस्तक है जहां सबके परीक्षा में प्रायः सवाल आते हैं। कुप्पुर स्वामी एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी, फ्रॉबेल एजुकेशन ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी चाइल्ड ट्रेनिंग द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड इंपॉर्टेंट। जॉन डीवी स्कूल और समाज, हो सकता है इसको अंग्रेजी में भी पूछ ले, ठीक है। दूसरा हेनरी कॉल्डवेल कोक प्लेवे, गिजुभाई दिवस्वप्न, ठीक है। थांडाइक शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस, सी एल हल प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मतलब यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आ सकते हैं। प्रमुख पुस्तक उनके प्रतिपादक। आगे हम लोग देखते हैं गिलफोर्ड फिल्म ऑफ साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, स्प्रिंगर टाइम्स ऑफ मैन, क्रेचर फिजिकल एंड कैरेक्टर, फ्रायड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1902, सी डब्ल्यू एच बियर्स द माइंड डेट फाउंड इट्सेल्फ, थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि पूर्ण क्यों संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, स्टेने हार एडोल्फ सेंस, इनकी पुस्तक का नाम था एडोल्फ सेंस, सिगमंड फ्रायड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जीन पियाजे बाल चिंतन की भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी थियरी पढ़ेंगे क्वेश्चन बाद में इसके, जॉन डीवी हाउ वी थिंक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन कुक, इरिक रिक्सन बचपन तथा समाज, हिपोक्रेटस नेचर ऑफ मैन, जेनोम ब्रोन शिक्षा की प्रक्रिया, जीन पियाजे संसार के बच्चे के विचार, प्रेयर माइंड ऑफ चाइल्ड, अल्बर्ट बंडूरा सोशियल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, प्लांट पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न्स, रुडोल्फ गोएकल साइकोलॉजिया, एच रेबन एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कुट लेविन ए डायमेनिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बंडूरा एंड वाटसन सामाजिक विकास तथा व्यक्तित्व का विकास, कोपका द ग्रोथ ऑफ माइंड, पोलंस्की करेक्टर एंड पर्सनालिटी, प्लेटो द रिपब्लिक, अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन, अल्पोर्ट पैटर्न ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। ये प्रमुख पुस्तकें थी, उनके प्रमुख लेखक, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। एक बार आप चाहें देख लीजिए। अब यहां पे है कुट लेविन, स्कीनर का है द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुट लेविन फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्रेशमर फिजिकल एंड कैरेक्टर, रूसो इमाइल एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्टर, अखिलानंद हिंदू साइकोलॉजी। तो आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें सभी लोग, वैसे इसकी पीडीएफ आपको इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है। यहां पे समाप्त हो गई है, आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास अध्याय एक के रूप में। अब यहां से हम ये प्रयास करेंगे हम उन टॉपिकों को पढ़े जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं, फालतू की चीजों को पढ़ने से बचेंगे, ठीक है। ये इलर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स है जो आप लोग को शायद प्राप्त हो चुकी होगी, चाहे आपने नोट्स लिया होगा, चाहे आपने इलर्निंग विद दुर्गेश की ई बुक ली होगी। बाल मनोविज्ञान क्या है इस पर ज्यादा चर्चा न करके आइए हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। तो प्लेटो यूनानी ग्रीस अपनी पुस्तक रिपब्लिक, द रिपब्लिक यह पूछा जाता है, दी रिपब्लिक जो है यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्लेटो थे यूनानी ग्रीस, इनकी पुस्तक का नाम क्या था द रिपब्लिक। इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद सामाजिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। आइए एक करके आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 1628 में जोहान अमोस कामेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना लगभग 29 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 1657 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अरबिक बेक्टस की रचना की जो 1659 में प्रकाशित की गई। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी
प्रस्तुत किया। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर बेबी बायोग्राफी बाल कथा पर आधारित था। 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनली हाल इस आंदोलन के जन्मदाता ने 1893 में शुरुआत की। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की और बायोग्राफी भी तैयार की। अब हम लोग को पढ़ना है महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गिजू भाई बदेखा के प्रयास से शुरू हुआ था। किसे? गिजू भाई बदेखा। चलिए आइए देखिए, मैंने पहले बताया था काफी महत्वपूर्ण मजेदार नोट्स है आपकी, एक बार पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी। जैसे बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें हरलाक के अनुसार तो विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निर्धारित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनेक नवीन विशेषताओं नवीन एकताओं में स्फटिक होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला होती है। आगे देखते हैं फ्रॉबेल के अनुसार बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। गैरेट के अनुसार अनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों बालों की सहायता के लिए अनिवार्य है। आइए एक बात देखते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या क्या अंतर है। बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया गया। श्रीमती हरलाख के अनुसार मुख्य अंतर क्या था कि बाल मनोविज्ञान बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभाव को विशेष रूप से देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास व्यवहार विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन जो बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। आइए अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, यहां से एक लाइन आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। जैसे अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, अभिवृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, एक संकुचित अवधारणा, लेकिन विकास एक व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, लेकिन विकास आंतरिक भी होती है और बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन जो विकास है वो केवल व्यवहार के आधार पर यह महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन के सूचक कई सूचक हो सकते हैं, लेकिन विकास में परिवर्तन में जो विविध सूचक व हास सूचक होते हैं। अभिवृद्धि जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है, अच्छा इतना बड़ा हो गया, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता और अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है और विकास स्वतंत्र होता है, चौमुखी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये चौमुखी होता है। और आगे चलते हैं, अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, लेकिन जो विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है, यह शारीरिक होता है। ये शारीरिक जो विकास होता है ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और इसे मापा नहीं जा सकता विकास को, लेकिन अभिवृद्धि को माप सकते हैं।
अभिवृद्धि मात्रात्मक रूप से दर्शा सकते हैं और इसे गुणात्मक रूप से दर्शा सकते हैं। अभिवृद्धि एक दिशा होता है, दिशाहीन होती, कोई दिशा नहीं है जिधर जगह पर बढ़ गया, लेकिन अभिवृद्ध जो विकास है इसकी दिशा निश्चित होती है। अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं हम लोग, हमने विकास और वृद्धि में अंतर भी देख लिया। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और ई बुक है पूरा इलर्निंग विद दुर्गेश के साथ, उम्मीद करता हूं आप लोग के पास भी होंगी ये। ठीक, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट शेयर मार दे, फटाफट लोगों तक पहुंचा दे। हाँ, इस पर एग्जाम्पल भी देते हैं हम लोग। जैसे गैरसिन अन्य के अनुसार जब बालक विकास की अवस्था दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, इन्हीं को बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं। जब बालक की विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है कुछ परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। आपने भी देखा होगा और अपने आप पे अगर हम देखें या किसी बच्चों को भी देखें तब भी हम लोग को समझ में आता है। जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, एक प्रश्न पूछा जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो बालक का विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, मैंने बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की दिशा की तरफ होता है। बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद से सिर से पैर की ओर होती जाती है। इस प्रकार विकास जो होता है वो कैसा होता है, देखिए कुछ चीजें हैं आपको जो परीक्षा में आप सभी को पढ़नी भी है और याद भी करनी है, केवल एक बार सुने रहेंगे तो याद हो जाएगा। ये मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीन विकास कहते हैं, इसे इस नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर उसके बाद बैठना सीखता है। मतलब जो बच्चों का विकास होता है हमेशा सिर की तरफ से होता है और सिर से फिर पैर की तरफ। ये एक परीक्षण पूछा गया है और मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा। अरे साइड हो जाए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे बच्चा अपने सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, उसके बाद बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना, फिर चलना सीखता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुप्पुर स्वामी, विकास सिर पदाभिमुख, विकास के साथ सिर पदाभिमुख माने सिफिडो कोडल और समीप दुराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। सिफिड लोकाडल मतलब इसमें विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। आइए विकास की अवस्था अगर हम देखें जो परीक्षा में क्लेम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आयु प्रथम माह में क्या होता है, सिर उठाना, बच्चा क्या होता है पहले महीने में सिर उठाता है। 3 माह का जब हो जाता है तो गतिशील वस्तु पर निर्देशन वस्तु चली गई, तो उस पर देखता ऐसे गई, माने वस्तु पर क्या होता है, जो गतिशील वस्तु होता है उस पर नेत्र का नियंत्रण करना सीखता है। जब 5वें माह में जाता है तो सहारा देने पर बच्चा बैठना सीखता है। 6वें या 7वें माह में बिना सहारे के आराम से बैठ जाता है। 7वें 8वें माह में क्या होता है, सहारे से बच्चा खड़ा होना सीखता है। लेकिन जब 9वां या 10वां माह में पहुंचता है तो बिना सहारे के बच्चा खड़ा हो जाता है। 1 वर्ष का बच्चा बिना सहारे के चलने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा दौड़ना टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भी खींचने लगता है, जमीन पर खींचने लगता है। जब 3-4 वर्ष का होता है तो कूदना, ट्राई साइकिल चलाना। तो ये विकास की जो दिशा थी आयु के आधार पर वो मैंने आपको बता दी, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो एकदम साफ चल रहा है, आप लोग इसकी वीडियो बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यही लेने के ऐप पर है, अगर आप सभी लोगों ने
ऐप इंस्टॉल किया होगा तो आपको ये नोट्स वहां से ऑलरेडी मिल चुका होगा, ई बुक है। अब हम और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग वृद्धि विकास की गति एक सी नहीं होती। देखिए थोड़ा सा तेजी से काम करेंगे, विकास यूं तो बराबर होता है परंतु उसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे शैशवावस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, धीरे धीरे मंद होती है, और किशोरावस्था में शुरू होती है इसी गति तेज होती है, लेकिन कुछ समय बाद धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते हैं, यह बात इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल आता है। विकास का क्रम सिद्धांत, इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का सिद्धांत क्रम होता है। भाषा विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। मतलब यहां से याद रखिएगा LSRW। अब इसका फुल फॉर्म भी आपके सामने है, ठीक है, मैं हट जाता रहूंगा। कितना करना था, नहीं डाले, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो हट जाएंगे। इस बार आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल मैं हट जा रहा हूं। अच्छा मैं हट के ही पढ़ाऊं क्या, मैं हट जाऊं? चलिए यहां से नोट्स आपने प्राप्त कर लिया होगा, मैं हट ही जा रहा हूं। देखिए मैं यहां से हट जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोगों ने देखा कि एल फॉर लिसनिंग माने सुनेगा, स्पीकिंग बोलेगा, रीडिंग पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब क्या क्या चीजें होती हैं, तब गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में विकास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, चीजें आप लोग देख लीजिएगा बहुत आराम से। ये स्क्रीनशॉट शायद कर सकते हैं क्योंकि हम वही चीजें पढ़ा रहे जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। आगे हम बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि होते हैं, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन कथन भी था वो आगे देखें। जैसे कहावत है कि जो शरीर में स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर उतना अच्छा होता है, वह सामाजिक कार्य करने में आगे रहता है। तो यहां पर है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मतलब कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये कौन कहा था, तो यहां पर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक आता है निरंतर विकास का सिद्धांत, माने विकास प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति चलती रहती है। जैसे गर्भधारण से प्रक्रिया शुरू होती है और मृत्यु तक लगातार क्रम दर क्रम चलती रहती है, ठीक है। चलिए पीछे वाली पेज का स्क्रीनशॉट लेना, चलिए मैं पीछे वाला पेज ला देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने यहां पे देखा एकीकरण का सिद्धांत, ये सब परीक्षा वाले टॉपिक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एक बार जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर कर दें, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथ के फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ व उंगली दोनों को एक साथ हिलाता है, पहले हाथ हिलाता है फिर उंगली को हिलाता है, इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है, इसे हम वर्तालुकार होता है, यह पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में, ठीक है। जिसको नहीं देख रहा वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले आप लोग। देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा, पानी लेते हैं यार, दोनों लेते, दोनों भर के। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बालक की लंबाई वृद्धि होगी तो साथ ही चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। जैसे जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो जितनी लंबे कपड़े लेंगे उसकी मोटाई तो बढ़ती जाती है, इसलिए हमने यहां पर देखा विकास लंबवत न होकर चक्राकार होती है, वर्तुलाकार होता है। वंशानुक्रम व वातावरण की जो अंतर क्रिया का सिद्धांत, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या घटना घटती है, बालक की जो वृद्धि विकास इन दोनों का समान महत्व है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि दोनों अंतःक्रियाओं के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा
अपने से बड़ों को देखकर सुनकर अनुकरण कर सीखता है, यह लाइन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जैसे बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने गाली देना कहां सीखा था, क्या आपके स्कूल के अध्यापकों ने आपको गाली देना सिखाया था, क्या आपके माता पिता ने गाली देना सिखाया था, आपने सुनकर गाली देना सीखा, यही है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आपने कहां सीखा, सुनकर, वातावरण से, समाज से, अपने सामाजिक पर्यावरण से सुनकर गाली देना सीखा। तो बच्चे क्या होते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आइए, ये भी आपके टॉपिक में है, माने एक ही आयु की दो बच्चों के बालक हो चाहे बालिका हो, उनका शारीरिक हो, मानसिक हो, भाषा हो, संज्ञात्मक हो, सभी विकास अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे हो, चाहे यूट्यूब पर निशुल्क क्लास आप देख रहे हैं, जितने लोग इसमें हैं, क्या सबका शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञात्मक, क्या सभी का विकास एक है? नहीं, नहीं है। इसलिए हम लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ पर ये चीजें सीखी, ये चीजें समझी। जैसे कोई बालक है, किसी बालिका की अवस्था में अधिक होता है, किसी बालिका का विकास किसी बालक की अपेक्षा अधिक होता है। जुड़वा भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, इनके भी शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक भिन्नता अलग अलग होती है। उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता, उनके विकास भी एक जैसा नहीं होता। इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगर किसी भी परिवार के तीन बच्चे हैं, तीनों अलग अलग आधार पर होंगे, तीनों की एक चीजें नहीं होंगी। ठीक है, पूरी सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप अंत तक वीडियो के बने रहेंगे तब लंबी लंबी क्लासें लेंगे। अब आते हैं समान प्रतिफल प्रतिमान का सिद्धांत। सभी लोग फटाफट वीडियो को बार बार कह रहे हो, शेयर कर, शेयर ही नहीं कर रहे हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञात्मक विकास समान रूप से होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे अब हमने आपने देखा जो चिड़िया हो गई, गधई हो गई, गधा हो गया, इनका भी तो विकास होता है। इनका विकास कैसे होता है? एक समान रूप से होता है। पैदा होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर अपनी माता का दूध पीते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर घास खाते हैं, फिर बेचारे मर जाते हैं। मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत, सभी प्राणियों का विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञात्मक विकास एक समान रूप से होता। अगला टॉपिक, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे अगर देखा जाए तो बालक उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेग प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा बड़ा होने पर और अलग हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन में रोया करता है। यह भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे पक्षियों, चिड़ियों को कहना, बाद में विशिष्ट शब्द पक्षियों के नाम लेना, मतलब हम देखते हैं कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। जैसे बच्चा पहले क्या कहता है, कहता पहले स्कूल जाना है, फिर बाद में कहता है कॉलेज जाना है। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, पहले क्या कहता है, गाड़ी, पहले कहता है गाड़ी चाहिए, फिर आगे कहता है नहीं हमको बस चाहिए, नहीं 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 हमको बुलडोजर चाहिए, हमको ट्रैक्टर चाहिए। माने अब उन गाड़ियों में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करता है, उनमें भी अलग अलग बातें करता है कि बचपन में वो गाड़ी कहता है, बचपन में केवल कहता है पैसा दीजिए, रुपया दीजिए। बाद में जब और बड़ा होता है कहता है एक रुपया, पांच रुपया, दस रुपया, बीस रुपया का डिमांड करता है। इसे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं आ रहा है, और आगे चलते हैं। आते हम लोगों ने देखा कि जो प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास सिद्धांत क्या होता है। जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष में विकास तेजी से होता है, माने अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा विशेष अवस्थाओं में विकास तेज होता है। जैसे शैशव अवस्था में विकास तेज गति के साथ होता है। फिर हम लोगों ने देखा संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास संचयी होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का मतलब होता है जोड़ते जाना। शैशव अवस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जाता है। जो शैशव अवस्था का आत्म प्रेम होता है, स्वयं से प्रेम होता है, यह किशोरावस्था में भी देखा जाता है। ठीक है, आप लोग जरा बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कि मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं आप सबको, सबको? चल आगे चलते हैं।
सहस्त्रावस्था में बालक कल्पना जगत का विचरण करता है, पुनः जब किशोरावस्था में आता है तभी उस पे कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। बालक बोला गया, पहला शब्द रखा गया, पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास के कार्यों को संचयी प्रगति करता है। धीरे धीरे बालक का विकास इसी क्रम में होता आते हैं। विकास की भविष्यवाणी सिद्धांत, मैंने इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। मैंने विकास की भविष्यवाणी सिद्धांत, लोग कहते हैं अरे लड़का आपका डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लड़की आप आईएएस बनेगी, पीसीएस बनेगी, इंजीनियर बनेगा, और कुछ लोग कहते हैं अरे यार तो लड़का तो मास्टर बने, तो लड़की बेटी तो मास्टराइन बने। तो मतलब ये विकास, बालक की जो विकास होता है, जो बालिका का विकास होता है उसे देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, इस समय आप थियरी पढ़ रहे हैं, तो एमसीक्यू वाले जो है अगर वो प्रश्न परीक्षा में हुआ है तो ठीक है, नहीं आया तो गए, उनके लेने के देने पड़ गए। लेकिन आपने अगर पूरी थियरी पढ़ लिया है, अब एमसीक्यू सीरीज चाहे जहां से कराए आप पूरा मार देंगे एक ही बार में, मैदान साफ कर देंगे, क्योंकि अब की बार एग्जिट हमारा। तो सेम यही चीजें वहां पर भी होती है। आइए देखते हैं इस प्रकार जैसे आगे चलकर कौन सा क्या बनेगा, यहां पर ही आपको पता चल जाता है विकास। अब आते हैं हम लोग, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बच्चे के विकास में प्रशिक्षण और परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब बच्चे क्या होता है, प्रशिक्षण कैसा होता है, उसकी परिपक्वता दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है। आगे हम आते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जो विकास होता है यह सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का भी विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रात्मक गुण का विकास करती है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है, हम आगे भी करेंगे। आगे चलते हैं, विकास का आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण क्या है। विकास की आरंभिक नींव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कहा जाता है जिसकी बेस कमजोर है उसे आगे चलकर परीक्षाओं में काफी चीजों का सामना करना पड़ता है। माने नींव मजबूत है तो बिल्डिंग चाहे जैसी हो मजबूत रहेगी। तो यहां पर हमने यह देखा कि विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि आदत व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन को समायोजन को निश्चित करता है। तो यहां हो गई, आगे देखते हैं विकास की अवस्था। विकास की अवस्था काफी महत्वपूर्ण है। विकास की अवस्थाएं, विकास की सामान्यतः पांच अवस्था होती है। बात करें गर्भाधान की अवस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की होती है। फिर शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। एक प्रश्न आज आपकी परीक्षा में आता है। बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद मृत्यु तक यह प्रौढ़ावस्था आता है। अब आते हैं रास के अनुसार, यह तो विकास की प्रमुख सामान्यतः 5 अवस्थाएं थी। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे फिर देखते हैं रास के अनुसार क्या क्या है। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक का होता है शैशवावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का। मतलब इन्होंने किशोरावस्था वही बताया 12 से 18 रास ने भी, लेकिन शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक का है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक का है, और फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। आगे चलते हैं, यह रास के अनुसार था। अब जॉन्स के अनुसार यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। वैसे ही लेनी भी दुर्गेश की नोट्स आप तक पहुंची होगी, लेनी भी दुर्गेश के ऐप पर है, चाहे तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, आपके आपकी मर्जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जांच के अनुसार क्या है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18,
प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद का, इनका भी 18 वर्ष के बाद है। सैलेस के अनुसार शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरा 13 से 18, हरलाख के अनुसार यही पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हरलाख वाला जरूर पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आते हैं, तो जहाँ सवाल आते हैं वो चीजें हमारे और आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है, ठीक है, महत्वपूर्ण भी है। हम लोगों ने देखा हरलाख के अनुसार, और आपने भी देख लिया कि हरलाख के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह से 14 दिन तक को शैशवावस्था कहते हैं, बचपन अवस्था 14 दिन से 2 वर्ष तक का, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्षों तक, उत्तर बाल्यावस्था 12-14 वर्ष तक, वयसंधि 12-14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13-14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, यह परीक्षा में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, आगे है दुर्गेश मैगजीन नोट, जन्म पूर्व काल के 3 कालखंडों में डिबावस्था पिंडावस्था किया जाता है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों में डिबावस्था पिंडावस्था किया जा सकता है। गर्भधारण शिशु के जन्म की अवधि के प्रसव पूर्व जन्म पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि 40 सप्ताह से 280 दिन अर्थात 9 महीने 10 दिन का होता है, यह पूछा जाता है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि को हम प्रसव पूर्व या जन्म पूर्व का काल कहते हैं, इसकी जो अवधि होती है 40 सप्ताह होती है अर्थात 280 दिन होती है, 9 महीने 10 दिन का होता है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, ये आपके जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, कोल के अनुसार यहां पर चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लें कोल के अनुसार, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम और आगे चलते हैं, अब हम गर्भावस्था गर्भाधारण से जन्म तक को पढ़ते हैं। इसमें होता है बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपण अवस्था, यह 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान अंडानुमा होती है, इसके युक्ता क्या कहते हैं, युक्ता कहते हैं। योग नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है और 15 दिन में योग युक्ता समाप्त हो जाता है और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और मां के शरीर से आहार ग्रहण करना और बालक की यह भ्रूणावस्था कहीं से प्रारंभ होती है। चलिए यहां पे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इस टॉपिक को, चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लें। एक भ्रूणावस्था होता है जिसे भ्रूणी पिंडावस्था कहा जाता है, बहिरस्तर इसमें बाहरी परत कहते हैं, इसमें त्वचा बाल नाखून दांत का निर्माण होता है, मध्यावस्था होता है, फिर अंतस्तर आता है, फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था यह 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक होता है। यहां पर गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, गर्भावस्था में जो शिशु होता है इसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, उसका विकास सिर से पैर की ओर होता, शुरू में हमने पढ़ लिया था। जन्म से पूर्व शिशु गंध का अनुभव नहीं होता, जन्म से पहले शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के 3रे माह शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, यह नोट में है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, मां का स्वास्थ्य ये भी इसको प्रभावित करता है, माने ये तो आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर मां की संक्रामक रोग से पीड़ित है या कुनेन औषधि का प्रयोग अधिक करती है तो जन्म के उपरांत शिशु अंधा बहरा मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। मां का आहार, माता पिता की आयु, जैसे हरलाख ने माना स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम या अधिक आयु में स्त्री या मां बनती है तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव देखा जाता है। स्त्री का शराब और तंबाकू का सेवन करना, हमने देखा कि दुर्गेश मैगजीन नोट में मां का रोग या संक्रामक ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था का विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे रूबेला नामक रोग जिसे जर्मन मिल्जेस कहते हैं, जननांग में होने वाला हर्पीस तथा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवंशिक रूप से उत्पन्न होती है। शैशवावस्था अब हम लोग पढ़ेंगे, शैशवावस्था एक एक करके पढ़ते चल रहे हैं जहां सबके परीक्षा में सवाल भी आएंगे।
ये देखते हैं इसके बारे में। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक के भावी जीवन आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित उत्तम विकास किया जा सकता है। आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी में शिशु का सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रोएल क्रो ने 20वीं सदी को शिशु बालक की शताब्दी कहा है। आइए विशेष हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज हम लोग को विशेष में देखनी है। आइए देखते हैं विशेष। स्वार्थी व स्वकेंद्रित खिलौनों की अवस्था, आत्म प्रेम की भावना, इसमें क्या होता है? देखिए यह प्रश्न पूछा जाता है, यह हम पढ़ रहे हैं शैशव अवस्था, ये 0 से 5 वर्ष तक होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? शैशव अवस्था के बारे में, जो 0 से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आत्मप्रेम की भावना होती है, मूल प्रतीकात्मक व्यवहार होता है, कल्पना जगत का विचरण होता है, अंतर की चिंतन की अवस्था होती है, खतरनाक काल, अपीली काल, हरलाख के अनुसार, पूर्व प्राग विद्यालय आयु होती है, अजीबो गरीब अवस्था होती है, बक्की अवस्था कहलाती है, शैशव अवस्था है 0 से 5 तक। ये शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष तक की। नामकरण की विस्फोटक अवस्था पियाजे के अनुसार, संस्कारों के निर्माण की आयु, बादशाह की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख ले अपने पास, आपकी मर्जी। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्ण काल, सामाजिक भावना का अभाव, उत्तम शिक्षण विधिया, किंडन गार्डन, खेल व मातेश्री विधि के अनुसार। शारीरिक विकास, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है 0 से 5 वर्ष। यह मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशव अवस्था काम प्रवृत्ति होती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जन्म समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशव अवस्था में बालक अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक भय समय सर्वाधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, भय समय क्या होता है? सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। सभी सिद्धांत पढ़ेंगे के करके, ठीक है। अब कुछ मैं नोट पढ़ लेते हैं। बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेगा, जैसा परिवार सदस्य कहेंगे वो वैसा ही करेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उसी का अनुकरण करता है। मतलब बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति। जैसे अगर आप सोए, आपसे कोई मिलने के लिए आ गया, बच्चे से कहते हैं, जाके कह दीजिए कि मम्मी सोई है, तो बच्चा कहता है कि मम्मी ने कहा मम्मी सोई है, पापा ने कहा पापा सोए हैं, तो बच्चा जैसा सुनता है वैसा करता है। मन उनके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। घर पर किसी के आने पर भी अगर उसे रोना है तो रोएगा, और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चों को नहीं बैठने देगा। अर्थात नैतिकता का भाव, उसे क्या होता है? नैतिकता का भाव। अपने मम्मी अपने पापा के पास अगर कहीं किसी घर में आने पर भी उसे क्या होता है? रोने लगता है। वो किसी को अपनी माँ की गोद में नहीं आने देता। बालक अपनी स्वयं की वस्तु किसी को नहीं देता, उसके अपने पास रहता है। उसमें स्वार्थी स्वकेंद्रता के भाव उसके अंदर निहित होता है। अभी उसे आप 5 रुपए दीजिए और आप वापस मांगिए, देखिए देता है। आप उसको 5 रुपए दीजिए और फिर आपसे लीजिए। बालक कल्पना में खोया रहता है। जादूगुरु कल्पना करता है, काश मेरे पास एक परी होती, हम भी उसे एक छड़ी घुमाते, मेरा टॉफी आ जाती, बिस्किट आ जाती, नमकीन आ जाती, तो वो जादू करवाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता। अर्थात कल्पना जगत का विचरण करता है शैशवावस्था में बालक 0 से 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि बालक जितने अच्छे संस्कार, जितना उसे ज्ञान सिखाएंगे, चाहे वो उस आयु में सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी वो सीखने की रुचि रखता, इसलिए शीघ्रता से सीख लेता। इसलिए इस आयु को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे किसी के आने में पैर छूना, बच्चा जाने देखता रहता है कि मेहमान जाएंगे हमको पैसा मिलेगा, तो आगे देखेंगे इसे स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। आगे उन्होंने देखा कि शैशवावस्था में बालक जो चाहे वो मनमानी करता है, अगर उसे कोई वस्तु चाहिए तो वो उसे प्राप्त करके ही मानता, टॉफी हो, चॉकलेट हो, नमकीन हो, चाहे वो आपके साथ खेलना हो, आपके साथ बाजार जाना हो, वो करकर ही मानता,
माने उसमें बादशाहत की प्रवृत्ति दर्शाती है। वो जिद करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा जब तक उसकी इच्छा पूरी न हो। मतलब यह एक बादशाहत की प्रवृत्ति दर्शाता है। हरलाल का यह मानना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल कहा है। क्या कहा है? खतरनाक व अपीली काल भी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। शैशवावस्था संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, अगर आपके सामने हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हम लोग। शैशवावस्था संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, जैसे फ्रायड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। जो कुछ बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अब बलेटैन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, मतलब ये ऐसे टॉपिक है जहां सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आते भी हैं तो लोग गलती भी कर देते हैं, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। गुडेनेफ के अनुसार किसी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक के अनुसार बालक मस्तिष्क कोरी स्लेट टेबुला रासा, मतलब उसे अपने अनुभव से सीखता है। ये जानला के अनुसार पूछा जाता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। शैशवावस्था संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला है ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक लगभग सभी समय का विकास हो जाता है। शिशु के जन्म से कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। आइए शैशवावस्था की विशेषता जानते हैं। इसमें क्या होता है? तेजी से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, फ्री गैंग की अवस्था होती है, नैतिक विकास का बीज रूप में जैसे मैंने बताया ना, बच्चे पैर छूना आदि चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, सामाजिक विकास, कल्पना की सजीवता, अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति आती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, 3 संवेगात्मक विकास होते हैं, मूल पवित्रि जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, आप प्रेम की भावना, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बच्चा सीखता है, देखकर वो सीखता है बच्चा, ऊपर इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है, अन्य बालकों की रुचि अरुचि, काम प्रवृत्ति की भावना, परिर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन, अकेले और साथ खेलने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अपरिपक्वता, स्वप्रेम का विकास, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, इन सभी का विकास शैशवावस्था में होता है। ठीक, हम आगे देखते हैं। बाल्यावस्था जो होता है इसका कार्य 6 से 12 वर्ष होता है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। अगर बाल्यावस्था में जन्म के बाद मानव विकास की एक दूसरी अवस्था मानी जाती है, क्या मानी जाती है? दूसरी अवस्था मानी जाती है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल होता है। मनोवैज्ञानिक काल ब्रूस ने बाल्यावस्था के जीवन को अनोखा काल कहा है। ये सभी लाइनें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में 6 वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता, बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है। इसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। इसके जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रखना चाहे तो रख लें, बाकी आपकी मर्जी। ये पूरी तरह से सिलेबस पे है और इसमें एक बार अगर आपने सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो परीक्षा में जब विकल्प आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। विशेष के बारे में देखते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कार्ल बुश ने कहा है, जीवन का निर्माण काल का सिगमंड फ्रायड ने कहा है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है, सर्वाधिक समाजीकरण का विकास छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है, वैचारिक अवस्था काल शिक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण काल यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेता बनने की इच्छा इसमें होती है, समलिंगी मित्रता समूह की भावना, अर्थ भेद, लिंग भेद, जाति भेद भावना, खेल की आयु,
समूह दल टोली की आयु कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, सारस अवस्था चुस्ती की आयु उत्तर बाल्यावस्था में, गंदी आयु भाषा विकास में तीव्र गति अवस्था, और इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो रख लें सभी लोग। भाषा विकास, मूल धनता का विकास, बिना काम के भ्रमण, घूमने का, ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भाषा विकास तेज गति से होता है, बिना काम के घूमना, बहुमुखी स्वभाव जैसे स्कूल से भाग जाना, आम तोड़कर खाना आदि चीजों का विकास होता है, बहिर्मुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, नैतिक गुणों का विकास, कल्पना शक्ति का अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्य में आनंद, बच्चे में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं, नए कौशल क्षमताओं का विकास, बुद्धि का स्वर्णिम काल कहा जाता है, रुचि में परिवर्तन, काल में कुछ ने कहा था मूर्त प्रत्यय चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था में बालक सबसे कम कामुकता पाई जाती है, बालक भयमुक्त होता है, बालक क्या होता है भयमुक्त होता है। आइए बाल्यावस्था संबंधी कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं। कुरान क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। राज के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या व परिपक्वता का काल है। स्टैक के अनुसार ऐसा शायद कोई खेल न हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते हो। अब यहीं कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे अधिक खेल बाल्यावस्था में खेले जाते हैं। इस आयु में बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं, मितौलिया, कांची गोलियां, पकड़म पकड़ाई, छुआ छुंती, ताश आदि के अनेक गेम। इसलिए इसे जो गेम एज होने की वजह से खेले जाते हैं। ये बच्चे इसमें क्या होते हैं, ये बहुत सारे खेल खेलते हैं, बाल्यावस्था में खेले जाते हैं। सबसे अधिक खेल जो होते हैं वो बाल्यावस्था में ही खेले जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक समूह बनाकर एक गली से दूसरे गली, दूसरे गली से तीसरे गली भागते हैं, दौड़ते हैं, छिपा छिपनते खेल खेलते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, इनमें निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। घूमने निकल जाते हैं, मित्र के साथ पकड़ लिया, घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये बाल्यावस्था में होता है, समूह बनाकर गली से गली घूमना। फिर बाल्यावस्था में अगर हम बात करें तो अब स्वयं परिपक्व समझदार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, गोले इकट्ठा करने की, अपने कलम इकट्ठा करने का, गिफ्ट इकट्ठा करने का, पुराने सिक्के इकट्ठा करने का, माचिस के कवर इकट्ठा करने का, हीरो हीरोइन की फोटो। अब तो नए किस्म के बच्चे आ रहे हैं, तो प्रयोग जब हुआ था तब लोग छोटे छोटे हीरो हीरोइन के फोटो, भगवान के फोटो एकत्रित करते थे, गुड़िया गुड्डा बनाना, कलर करना, चूड़ियां इकट्ठा करना। इस आयु में बालक संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सरकार ने भी विद्यालय की जो प्रारंभिक आयु 6 वर्ष मानी है, इसलिए सही मायने में प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाता है? बाल्यावस्था कहलाता है, ठीक है। बच्चा कहता है मेरा वह दोस्त है, बच्चा कहता है वह मेरा दोस्त है, क्योंकि इनके पास सब नए नए सामान है, और वह मेरा दोस्त नहीं क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। माने अर्थभेद की जो भावना होती है वो बाल्यावस्था में आती है। बाल्यावस्था में लड़का लड़के से ही, तब लड़की लड़की से ही दोस्ती करता है। माने इस अवस्था में बालक बालक से, बालिका बालिका से दोस्ती करते हैं। इस अवस्था में समलिंग भेद भावना का कारण होता है। आप लोगों ने क्या किया था बाल्यावस्था में? पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष है, याद रखिएगा। जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु जो है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष अर्थात शैशव अवस्था होती है, और प्राथमिक विद्यालय 6 से 11-12 वर्ष होती है अर्थात बाल्यावस्था होती है। प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 12 वर्ष और पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है? हमने देखा समूह बनाना, नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, उनके अंदर जिज्ञासा भी होती है, सीखने की इच्छा होती है, निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति होती है, वास्तु जगत में घुसते हैं, आत्मनिर्भरता होती है, काम प्रवृत्ति होती है, सुसुप्ता निंदा दोनों होती है, मानसिक योग्यता में भी बच्चों के विकास होता है, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, संग्रह की प्रवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। आइए बात करते हैं किशोरावस्था में। यह किशोरावस्था जो होता है यह 12 से 18 वर्ष तक का होता है।
इसमें मैंने परिपक्वता की ओर, देखिए थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि परिपक्वता की ओर बढ़ना है। स्टेनी हाल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं, उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। वो कैसे होते हैं? वे भी जो परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं। एक मिनट रुकिए, हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे स्टेनी हाल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अतः इसका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसी कारण स्टेनी हाल को किशोरावस्था का जनक माना गया है। यह इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं कटेंगे आपके जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग को एमसीक्यू प्रश्न ही पढ़ना। चलिए आज अगर सीरीज किसी तरह खत्म करा लीजिए आप लोग, उसके बाद भाई हम आपके मन का ही करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो एमसीक्यू ही लेकर आएंगे, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था युवावस्था के मध्य का काल, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य काल किशोरावस्था कहलाती है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, प्रवेश करता है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसकी समाप्ति पर यह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था, वह संधि, इस अवस्था में लड़कियां 11-13 वर्ष तक, लड़के 12-14 वर्ष तक की होती है। द्रुत तीव्र विकास का काल, समस्याओं की आयु, तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। यहां से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्व किशोरावस्था को टीनेज कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं और हम चाहते हैं कि जहां से भी परीक्षा में सवाल आए गलत ना हो, ठीक है? गलत ना होने पाए। चलिए, अब लड़कों की अपेक्षा लड़कियां का विकास तीव्र होता है इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। 11-13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, आवाज कोमल सुरीली, बगल गुप्तांगों, बाल, मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास बाल्यावस्था का बच्चा तेज गति से होती है। 12-14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। बालक बिगड़ना सुधरना इसी काल में निर्भर करता है। बच्चों का बिगड़ना, इस अवस्था में बाल्यावस्था का अंत होने से पहले किशोरावस्था शुरू होने के उपरांत खत्म होती है। प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, यह 13-19 वर्ष तक होता है। आइए विशेष क्या क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट रख लें। नया जन्म काल स्टेनी हाल ने कहा। परिवर्तन काल, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होता है इसलिए इसे कहा जाता है परिवर्तन काल। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल स्टेनी हाल ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा। परिवर्ती अवस्था, विशिष्टता की खोज का समय, आकस्मिक त्वरित विकास की आयु, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, समायोजन का भाव, देशभक्ति की भावना, संवेग, अस्थिरता, वीर पूजा की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, चौमुखी विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक समयगात्मक विकास, व्यवसाय चुनने की चिंता, कल्पना का बाहुल दिवा सपने की प्रवृत्ति, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था, समायोजन की भावना, मन इस अवस्था में बालकों में अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो ये चीजें आपको किशोरावस्था में मिलती हैं। आइए कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं। स्टेनी हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों का विरोध अवस्था होता है, ठीक है? राज के अनुसार किशोर समाज में सेवा के आदर्शों का निर्माण पोषण करता है। बेल्टाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्तियों, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जांच के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहलाता है, ठीक है?
हैडी कमेटी 11 एवं 12 वर्ष की आयु में बालकों को नसों नसों में ज्वार भाटा उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस ज्वार का सबसे पहले उपयोग कर लिया जाए, उसकी शक्ति धारा के साथ साथ नई यात्रा में आरंभ कर दी जाए, सफलता मिल सकती है। कुछ की पॉइंट है, मतलब जिस समय किशोरावस्था में होता है बच्चा, उससे देशभक्ति की भावना जोर शोर करती है, क्योंकि संवेग अधिक उत्पन्न होता है, स्वतः ही खत्म भी हो जाता है। इस अवस्था में संवेग अस्थिर होते हैं। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति विद्वान को अपना आदर्श मानता है, उसकी जैसे अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। वीर पूजा का भाव सेंस ऑफ हैरी वर्शिप विद्यमान होता है। कुछ बालक विशिष्ट दिखने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल वेशभूषा का चयन करते हैं। बच्चों में जैसे फलों की प्रवृत्ति, अलग अलग कलर करना, पक्षियों की आकृति, बाल कटवाना, मतलब विशिष्ट दिखने का उनके अंदर, मतलब वो ये चाहते हैं सबसे अलग दिखे, डिफरेंट दिखे, ठीक है, वो अलग दिखने का प्रयास करते हैं इस अवस्था में। मतलब कुछ ऐसी बातें होती है जो मन बहुत अच्छी लगती है, जैसे किसी लड़की को पसंद करना, उसे जीवन साथी के रूप में चुनने की सोचना, उसके साथ घूमना फिरना उसे बसंत ऋतु के समान ही होता है। हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इस आयु में बालक को व्यवसाय, शादी, जीवन साथी, चिंता होती, इसलिए इस आयु की समस्याओं की आयु उलझन की आयु भी कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि शारीरिक विकास में सबसे महत्व पहले नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम का विकास होता है। वयस्क संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसलिए पॉबर्टी ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट भी कहते हैं। मार्गरेट मीड नामक अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक को मानव शास्त्री ने प्रशांत महासागर के समूह द्वीप की अविकसित संस्कृति की बालिकाओं को किशोरावस्था का अध्ययन करके बताया कि किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति की प्रभावित होती है। ठीक है, आप चाहे तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सेक्स टेम्परमेंट इन थ्री प्रिमेटिव सोसाइटीज, चाहे तो स्क्रीन शॉट अपने पास रख लें, सभी लोग इसे स्क्रीन शॉट तो कर ही रहे होंगे। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत 1904 में आता है। इस सिद्धांत में समर्थक स्टेनली हाल थे, माने शैशवावस्था बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो अकस्मात होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समय थंडाई हार्किंग वर्ष है, मतलब जो भी परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में वो एकदम धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं, अचानक से नहीं होता। आइए, स्वतंत्रता के किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है। स्वतंत्रता का विद्रोही भावना, प्रतिष्ठा एवं पदवी की अवस्था, कल्पना का बाहुल्य, वीर पूजा की भावना, वित्तीय समस्या, मादक वस्तुओं के सेवन के व्यवहार में परिवर्तन, बुद्धि का अधिकतम विकास, रुचि में परिवर्तन, बहुमुखी प्रवृत्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति का विकास, समूह को महत्व, घनिष्ठ मित्रता, काम शक्ति की परिपक्वता, क्रियाशीलता, जीवन दर्शन का निर्माण, नैतिक विकास, दिवस स्वप्न की स्थिति, मनोरंजनात्मक अभिरुचि, व्यवसाय की चिंता, समाज सेवा की भावना, ईश्वर और धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, तीन संगात्मक विकास, मतलब ये चीजें, यौन आकर्षण का मुक्ता, अध्ययन में रुचि, निषेधात्मक व्यवहार। तो ये किशोरावस्था की महत्वपूर्ण बिंदु थी जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। चाहता आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में बर्गन प्रवृत्ति, मूल्य आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था का अनुभूति, दीवा स्वप्न, उदासीनता, स्वच्छंद नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति, आत्मविमोह, विकास से जुड़ी गंभीर समस्या जो बातचीत करने, दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है, प्रमस्तिष्क घाव, ये की पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, विकास से संबंधित विकार है जो शारीरिक गतिविधियां, मांसपेशियों को संकुचित होने या खिंचने से शरीर की मुद्रा में जन्मजात विकार हो जाता है, पराविघात तनाव, किसी भयानक घटना अनुभव करने से गुजरने के बाद सामान्य हो जाने की विफलता वाला विकार, ये विकासात्मक विकार नहीं है, न्यून ध्यान, अतिसक्रियता विकार, लंबे समय से चल रही स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अतिसक्रियता और बिना सोच समझे जल्दबाजी में काम करना सम्मिलित है, ये विकासात्मक विकार है। शैशवावस्था की कुछ लोगों की महत्वपूर्ण जो लाइन है वहां से वन लाइनर जो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वन लाइनर है जो परीक्षा पूछी जाती है। बाल्यावस्था समय 5 से 12 वर्ष है, सबसे अधिक विशेषता शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, यहां में देख लीजिएगा, एक की पॉइंट है जहां परीक्षा में सवाल आते हैं।
ठीक है, हो गया कि स्क्रीनशॉट इलानी मित्र के ऐप पर चीजें होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आराम से। किस अवस्था में यौवन और बाल्यावस्था मध्य पड़ने वाले संधिकाल कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये पढ़ लेंगे तो शायद आपको परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मध्यावस्था क्या होती है, इसे 41-60 वर्ष में रखा है। ऐसी अवस्था व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने की स्थिति में होता है। इस समय व्यक्ति सुख शांति उपदिष्टा से जीने की कामकता करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है, एक क्विक करके पढ़ लेते हैं, ये सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है, एक एक लाइन सब परीक्षा लायक है। बालक की विकास प्रक्रिया जन्म से प्रसव से प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु कद, नवजात शिशु का भार, 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, इसका किसका विचार था, थंडाइक का विचार था। आगे हम देखते हैं मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्रायड का कथन था। ये सब ये परीक्षा उपयोगी वनलाइनर है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें परीक्षा हाल के अंदर होंगे। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। बालक के दांतों का निर्माण जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय बालक बालिका लगभग इतनी सेमी लंबा होता है। चलिए मूल संकृति अवस्था काल 7 से 11 वर्ष तक का होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को 5 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए। सामान्य बालक 9 से 15 माह की आयु में मध्य ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है। एलिमेंट्री स्कूल की आयु 6 वर्ष होती पूछा गया है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। शैशवावस्था में बच्चे संवेगात्मक विकास से उत्तेजना पूर्ण होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, एडलर का कथन है। बाल्यावस्था समूह चुस्ती की आयु होती है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिवक्ता कहा है। बाल्यावस्था में बालक बाह्य केंद्रित होता है। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास हो उसे बाल्यावस्था कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था, ये एक एक लाइन एक एक परीक्षा के प्रश्न है। एमसीक्यू पढ़ने की जगह पहले थ्योरी पढ़िएगा, एमसीक्यू पढ़कर जब भी लगाएंगे सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। बाल्यावस्था में बालक समवयस्क समलिंगियों के संपर्क में रहता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। काफी लंबा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट काम को करा दें और तथ्य को न पढ़ाएं, आपकी जैसा आप लोग कहें। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लें, हम आगे बढ़ें। आप लोग जरा कमेंट करके बताएं, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आपके काम आ जाएगा। बाल्यावस्था शिक्षा समूह की रचनात्मक कार्यों को मध्यम दी जानी चाहिए। पूर्व किशोरावस्था अत्यंत द्रुत उद्योग विकास का काल है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो ये सब कथन क्या है। स्टेनले हाल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए कि स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्वों में परिभाषित किया था, कौन कौन, संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान और विरोध की अवस्था। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, एक बार कर लीजिएगा। किशोरावस्था के बाद बालक वास्तविक जीवन जगत में आ जाता है। शक्तियां संवेदनशीलता अवलोकन प्रत्यक्षीकरण स्मृति ध्यान कल्पना चिंतन वृद्धि तर्क आदि वृद्धि होना मानसिक विकास है। यह परीक्षा का पूछा प्रश्न है। पाठ्यक्रम का अर्थ दौड़ का वह पथ है जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ये सब वन लाइनर के प्रश्न है, इसको पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू हल करेंगे ना तो यकीन मानिए आपको लगेगा यार सारा प्रश्न तो सर ने पढ़ा दिया है, अगर आपने नोट्स पूरा पढ़ लिया होगा। बालक सर्वांगीण विकास दायित्व शिक्षा को बालक दोनों पर होता है, याद रखिएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण में खेल प्रवृत्ति पद्धति रूप में मूल विकास अभिवृद्धि मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होती है। बचपन विकास सिद्धांत सभी विकास की दर समान होती है। किशोर दुष्टता स्वयं सरोकार का अनुभव करता है। इसके साथ हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं, सब की पॉइंट है परीक्षा के लिए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास संधान का विकास विषम जाति स्वायत्ता की ओर अग्रसर होता है। विकास का परिपक्वता वही संबंध जो दीपक प्रतिक्रिया से इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मासिक परिपक्वता ऊंचाई को छूने की प्रतिशीलता रहना किशोरावस्था संबंधित है। विकास किशोरावस्था काल में तेजी दबाव और तनाव का काल कहा गया है। बाल्यावस्था व विकास अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अपने बच्चे अपने बुद्धि विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं।
सिंगल फ्रांड विकास अवस्था के अनुसार अब व्यक्तवस्था प्रारंभिक विद्यालय आयु को समझा जाता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता नई परिस्थितियों का संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थियरी हम लोगों ने पढ़ी लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट सब लोग कर लीजिएगा, नोट्स आपने देखिए। अब हम देखते हैं बालक का शारीरिक विकास, तो हम ज्यादा यहाँ पे टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि हाँ आप लोगों ने पढ़ लिया है, केवल आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें और ई लर्निंग पे दुर्गेश की ऐप पर इसकी पीडीएफ होगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर है। तो हम यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि आप इसमें ज्यादा अपना समय दें, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग। आइए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हड्डियों में जुड़ने के अस्थिकरण कहते हैं, हड्डियां मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। ये दो प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा, ये क्या क्या चीजें होती हैं देख लीजिएगा, शारीरिक विकास कैसे होता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? अब यहाँ पे की पॉइंट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3, एक अंगूठे की हड्डियों की संख्या 2 होती है। हाथ की पूरी उंगलियां कुल हड्डियों की संख्या 3+3+3+3+2 होती है। माने अगर देखा जाए एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3, एक उंगली में हड्डियों की संख्या 3 होती है, एक अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है, हाथ की पूरी उंगली में कुल हड्डी कितनी होती है, 3 × 3 = 6, मतलब 4 उंगलियां नॉर्मल होती हैं, तो 4 × 3 = 12, 2 = 14, तो पूरे एक हाथ में कुल 14 हड्डियां होती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लें। चेहरे पे कुल हड्डियों की संख्या 14, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 × 8 = 16, एक कान में हड्डियों की संख्या 3, गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी कशेरुका में 33 और कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम एटलस, सबसे निचली का नाम एक्सिस है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम मैंडिबल, जो जबड़े में होती है। सबसे कठोर तत्व इनेमल होता है, जो दांत में होता है। जन्म समय नवजात शिशु का त्वचा रंग हल्का गुलाबी और 15 दिन बाद अस्थायी रंग प्राप्त करता है। नवजात शिशु केवल पास चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, परंतु 2 घंटे जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। जन्म के समय नवजात शिशु शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, 15 दिन बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु स्वाद ज्ञानेंद्रिया सर्वाधिक विकसित होती है। दांत, शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था जन्म से पूर्व के समय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, याद रहे। जन्म से 5-6 महीने बाद बालक के अस्थायी दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नीचे अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं। 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। मांसपेशियां, जन्म समय का भार का 23% होता है। हृदय की धड़कन, नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है, धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है। हृदय छोटा होने पर रक्त जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी गति अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय आकार में वृद्धि हो जाती है, रक्तचाप बढ़ने लगता है। फिर देखा आप लोगों ने कि नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम मास शिशु में हृदय की धड़कन 140 मीटर प्रति होती है, फिर 130 से 50, 6 वर्ष के वर्षों तक 100 PM प्रति मिनट हो जाती है धड़कन। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग। आगे देखते हैं हम लोग नवजात शिशु की अवस्था। मोरो अवस्था क्या होती है? जब तीव्र शोर होता है, बच्चा अपने शरीर कमर को मोड़ते हुए भुजा आगे की ओर फेंकता है, अपने भुजाओं के साथ लाता है, कुछ पकड़ रहा है। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर हाथ पैरों से वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को मोरो कहते हैं। रूटिंग अवस्था, उसके गाल को छूने पर अपना मुंह खोलता था, सिर को घुमाता है, इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। बेबिंस्की अवस्था, यदि बच्चे के पैर तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे मुड़ जाती है, इस क्रिया को बेबिंस्की कहते हैं। पकड़ना, बच्चे की हथेली, देखिए नवजात शिशु की अवस्थाएं के बारे में, बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाए तो बच्चा उंगली पकड़ लेता है। फिटल एक्टिविटी, माने गर्भस्थ शिशु के हाथ पैर स्वतः क्रिया अथवा गति होना फिटल एक्टिविटीज कहलाता है। बल्किंग, तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंख बंद करता है, इसे हम बल्किंग कहते हैं। अंशकालीन परिनुचेट पीरियड, इसमें बच्चे गर्भनाल को काटकर बच्चे की मांस अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे की आयु तक
बालक परचुनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? परचुनेट कहलाता है। बालक में शारीरिक विकास क्या क्या होता है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, इस सबकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सब लोग यहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक। एक मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियां क्या होती है देख लीजिएगा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है एक बार आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक। सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। इस अवस्था में लार चौड़ा, लंबी लाख चौड़ा होता है। अंतर सर्वी ग्रंथियों में क्या क्या परिवर्तन होता है देख लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति शरीर में कुछ अंतर सर्वी ग्रंथियां होती हैं, इसे आंतरिक स्राव होता है। इस स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, शरीर के अंगों को कार्यप्रणाली गतिशील बनाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, बालक के गले में रहती है। पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथि, पैराडाई, थायराइड ग्रंथि, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। थायराइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहां से अगर आपके मन में कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रायड का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, फ्रायड वह अवधारणा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, उसकी काम शक्ति बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रायड इसे शक्ति को लिबिडो कहा है। उन्होंने पांच अवस्थाएं बताई हैं, आइए पांचों अवस्था देख लीजिएगा फ्रायड के। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और अदृश्य अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। इन्होंने पांच अवस्थाएं बताई है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेते सकते हैं। कुछ बालक का मानसिक विकास, अभिप्राय, ज्ञान भंडार, वृद्धि उपयोग से अर्थात मानसिक शक्तियों से उदय, वातावरण के प्रति समाज में क्षमता का मानसिक विकास कहते हैं। जैसे बालक का शारीरिक विकास बढ़ता है, जैसे बालक का मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। मानसिक विकास के प्रमुख घटक संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्माण, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, भाषा एवं सीखना। बालक की प्रत्येक अवस्था बालक का मानसिक विकास अलग अलग होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सोनेसन के अनुसार जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमा प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे उसकी शक्तियां परिवर्तित होती है। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। इस अवस्था में शिशु रोना चौंकना क्रियाएं होती है। दूसरा सप्ताह प्रकाश चमकीला वस्तु को देखता है। तीसरा माह माता को सही पहचानने लग जाता है। छठे वह माँ प्रेम और क्रोध भाव को समझ लेता है, आवाज का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलता है, द्वितीय वर्ष 100 से 200 शब्द भंडार। अब तृतीय वर्ष अपना नाम बता देता है, सीधी व लंबी रेखा अनुकरण द्वारा सीखना खींचना सीख लेता है। पांचवा वर्ष जटिल वाक्य बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम भी लिख लेता है। कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद शुरू होता है, जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेलता है, कल्पना के सहारे पशु पक्षियों को परियों को खेल खेलता है, तो ये 5वें वर्ष में होता है, 2.5 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है ये। बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होता है देख लीजिएगा। क्रोनिक रोग के अनुसार बाल्यावस्था में बालक के चिंतनशील परिपक्वता आ जाती है। 6वें वर्ष में क्या होता है, 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है, स्मरण शक्ति भी विकास होता है। 7वें वर्ष साधारण वस्तु में अंतर बता लेता है। 8वें वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है, लंबे वाक्य को दोहरा लेता है। 9वें वर्ष एक दिन समय दिनांक वार और सिक्के की पहचान याद कर लेता है। 10वां वर्ष कहानी याद करके सुनाता है। 11वें वर्ष में क्या होता है, बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है। 12वें वर्ष समस्या समाधान की क्षमता का विकास, देखी फिल्म को 70% बातें दोहराने की क्षमता जाती है। रचनात्मक शक्ति, आदर्श निर्माण इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था में क्या क्या होता है, स्मृति, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है तेजी से। कल्पना शक्ति, इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है।
किशोर दिवा स्वप्न में खो जाता है। कविता लेखन कहानी चित्र रंगी संगीत पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान स्पष्ट व्यक्तिगत हो जाती है, दृष्टिगत हो जाती है। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, तर्क निर्णय शक्ति वृद्धि, रुचियों में विकास होता है। किशोरावस्था शब्द भंडार बढ़ने, सही प्रयोग की क्षमता का विकास होने में, भाषा प्रभावित शुद्ध विचार अभिव्यक्ति अनुकूल हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू हो जाती है और पूरे जीवन काल चलती है। जन्म के समय बच्चे में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता, लेकिन सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं या मान सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज में प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट रख लें सभी लोग, क्योंकि देखिए काफी महत्वपूर्ण नोट्स है आप लोग के लिए, और ये नोट्स आप चाहे तो इसे इलनी विद दुर्गेश के ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। कुर्बान करो के आधार पर एक माह का बच्चा कैसे, दो माह का, तीन माह का बच्चा क्या क्या करता है, यहाँ पे देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा सभी लोग। एक माह का बालक चूसने जैसी गतिविधि घर में वयस्क लोगों क्रिया को प्रत्युत्तर देने लगता है। दो माह में मानव आवाज पहचान कर ध्वनि में अंतर करने लगता है, दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। तीन माह का अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसे अलग होने पर दुखी होता है। चार माह में बालक बातें करने पर रोना बंद कर देता है, अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है। पांच माह में बालक क्रोधपूर्ण ध्वनि और मृतत्व ध्वनियों में अंतर करना शुरू कर देता है, क्रोध प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। छह माह अपने लोगों को पहचानने लगता है, पराये से डरने लगता है। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। काफी लंबा है, चाहेंगे शॉर्ट में करने का। बालावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है देख लीजिएगा। हरलाल ने बालक के सामाजिक विकास को निम्न चरणों में बांटा है। छह वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहां के वातावरण के अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, बालक बालिका एक दूसरे से अलग होते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं। इस अवस्था में बालक नेता बनने की इच्छा वास्तविक जगत संबंध बनाता है, खेल भावना विकास होता है, ज्ञानेन्द्रिय रुचियां उत्पन्न होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्व कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। सामाजिकरण के कारण बच्चा यह बोध करता है वह कौन है, वह अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता को बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं, साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग, कार्य को स्वतंत्र होकर अपने काम करना शुरू करता है। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है देखिए, यहाँ पे समूह का निर्माण करना, बालक भ्रमण आनंद मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं, गुणों का विकास, नेतृत्व करना, सद्भावना का विकास, दबाव माने माता पिता के मध्य मतभेद व संघर्ष होता रहता है, नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने के लिए निर्देश देते हैं जिससे किशोर संघर्ष और दबाव की अवस्था में रहते हैं। भावी जीवन की चिंता की जीवन प्रति हमेशा चिंता रहती है, जैसे शादी, व्यवसाय, पैसा कहाँ से आएगा, परीक्षा में कैसे क्या करना है, नंबर ज्यादा आएगा, कम आएगा, उसका परिणाम क्या होगा। समूह भक्ति, किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसके प्रवर्तक एरिक्सन थे। ये नौ फ्रायडवादी मनोविज्ञानी माने जाते हैं और फ्रायड सिद्धांत के काफी सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन इन्हें फ्रायड की तरह कामुकता महत्वपूर्ण नहीं माना। इनके सिद्धांत व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया है, इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। कुछ सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक जीवन अवधि के विकास सिद्धांत भी कहा। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्ड हुड एंड सोसाइटी 1963 में स्पष्ट किया, मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। एरिक्सन ने सिद्धांत के पूरे जीवन अवधि को आठ भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? आठ विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यह परीक्षण पूछता है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, विश्वास बनाना आत्मविश्वास। शैशवावस्था में बच्चे अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह प्रेम मिलता है, उन्हें विश्वास या भाव विकसित करता है।
जब माता पिता बच्चों को रोते बिखरते चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जैसे मिलने जाते हैं स्कूल स्कूल में तो जैसे रोने लगते हैं, फिर उसको रोते हुए छोड़ चले जाते हैं, तो उनके अंदर विश्वास बना आत्मविश्वास। ये 18 माह से 1.5 वर्ष तक होता है लगभग, मतलब वही 1.5 वर्ष तक 18 माह कहिए। फिर स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, सख्त माने बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना, दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता, वह खुद से कार्य करता है। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांट देते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिनके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दूषित, माने ये 3 से 5 वर्ष में होता है। यहाँ बच्चों प्राक स्कूली वर्ष होता है, वे अवधि बालक की पूर्व प्रारंभिक अवस्था होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इससे पहल की संज्ञा देते हैं। जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाते हैं। परिश्रम बनाम हीनता, इस अवधि में उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष, जब बच्चों को पहल नई अनुभूति मिलती है, वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं, उन्हें परिश्रम की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब स्कूल आने वाले चुनौतियों में असफलता मिलती है तब बालक हीनता लगता है, यार मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, मेरा नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। घनिष्ठता बनाम विलंघन, माने अलगाव, माने यह आरंभिक वयस्क अवस्था होती है, युवा अवस्था की अवस्था होती है, मतलब यह 18 से 35 वर्ष तक होती है, जैसे इसमें हम और आप भी हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति भी दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता तो सामाजिक रूप से अलग हो जाता है। इस अवस्था को घनिष्ठता अथवा अलगाव का संघर्ष भी कहते हैं। जननात्मकता बनाम स्थिरता, यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों को कल्याण, उस समाज के लिए जननात्मक उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। माने यही है कि आगे पीढ़ी क्या करेगी, इसे ये 35 से 65 साल तक, 65 साल के बाद क्या होती है, अहम संपूर्णाम बनाम निराश में। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है, इसमें बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है, उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव उत्सित होता है, अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो नैराश्य का भाव होता है। समाजीकरण के साधन, परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य, खेल तथा मित्र समुदाय, यह भी आपकी ईडीएस के सिलेबस में मिलेगा। ठीक, यहां तक देखिए, परिवार सामाजिक गुणों का पालक कहा जाता है, यह सामाजिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय औपचारिक साधन, देखिए ये ईवीएस में भी चैप्टर है। समाज का सामाजिकरण के रूप में महत्वपूर्ण स्थान मनुष्य सामाजिक प्राणी, किसने कहा था। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करना। खेल मित्र क्या होते हैं, सामाजिकरण में विभिन्न प्रक्रिया महत्वपूर्ण डालते हैं। समुदाय जिसे व्यक्ति रहता है, ठीक है, जैसा समुदाय होगा वैसा व्यक्ति का सामाजिकरण का विकास होगा। बालक में संवेगात्मक विकास, इमोशन, उत्तेजित होना, इस प्रकार संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा कहते हैं। आइए कुछ की पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या घृणा आदि का अनुभव करता है, ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। शिशु अपने माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो संवेगिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। संवेग का प्रकार, संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जैसे जैसे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, स्नेह मिलता है, खुशी मिलती है, जैसे आप एक सरकारी टीचर बन जाए तो कैसा संवेग होगा, बहुत अच्छा लगेगा, उल्लास बढ़ेगा, स्नेह आनंद आएगा, हर्ष होगा, अपने जॉब के प्रति प्रेम होगा। ठीक है, तो ये कहां होता है, ये सकारात्मक संवेग, ये कैसा संवेग होगा, ये सकारात्मक संवेग होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नकारात्मक, कौन सा नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या आता है, जैसे हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनका चयन ना हो, हो सकता है जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं उनके अंदर डर होता है, कष्ट होता है,
देख के दूसरों को ईर्ष्या होती है, यार इसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है, चिंता होती है, काश मैंने भी थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, काश प्रैक्टिस सेट की जगह कुछ थ्योरी पढ़ लिया होता ताकि कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल गए होते हैं। तो ये चीजें होती हैं नकारात्मक संवेग। आगे चलते हैं हम लोग, मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंध। संवेग तुरंत बाद होने वाली क्रिया है, मूल प्रवृत्ति कहलाती, अर्थात पहले संवेग बाद मूल प्रवृत्ति होती। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडुगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन होते हैं? मैकडुगल होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडुगल गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया। एक बालक में कुल 14 संवेग बताए गए हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 14 आपके सामने है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग जितने इस वीडियो को इलर्निंग दुर्गेश पर देख रहे हैं, सभी साथी, भय, क्रोध, वात्सल्य, आत्महीनता, आमोद, भोग, कृतिभाव, घृणा, आत्माभिमान, आश्चर्य, कामुकता, एकाकीपन, कष्ट, करुणा, भय से पलायन, क्रोध, युद्धता, वात्सल्य, संतान कामना। तो ये चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तरफ संवेग है, एक तरफ मूल प्रवृत्ति है, इनकी संख्या कुल कितनी है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इनकी संख्या कुल कितनी है। आगे देखिए, यहां पे है जन्म समय उत्तेजना, 3 माह तक उत्तेजना आनंद कष्ट, 6 माह में उत्तेजना आनंद प्रेम घृणा क्रोध भय क्षमा, 18 माह तक उत्तेजना आनंद घृणा क्रोध भय, ठीक है, उल्लास ईर्ष्या कष्ट, उत्तेजना आनंद प्रेम घृणा क्रोध भय उल्लास, ये 14 माह। किसने कहा था ये बात? यह बात प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश ने, किसने? ब्रिजेश, ब्रिजेश, ठीक है। तो ये चीजें आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, सस्वावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? यहां पे आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। मतलब शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्य संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, इसलिए वह सभी बातों से डरेगा जिनसे परिवार सदस्य को डर लगता है। जांच के अनुसार 2 वर्ष तक के शिशु सांप से डर नहीं लगता, 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। 3 वर्ष की आयु में अकेले रहने में पशु तथा अंधेरे से डर लगने लगता है उसे, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 2 वर्ष तक के शिशु सांप से नहीं डरता, लेकिन 3 वर्ष आयु में अकेले रहना पशुओं के साथ धैर्य में से डर लगने लगता है। शिशु निम्न प्रकार का संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है, जन्म लेते समय शिशु क्रंदन रोना करता है, शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है, रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है, शिशु संवेग अस्पष्टता की ओर बढ़ता है, सबसे पहले रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, बात नहीं करना, क्रोध करना, अप्रसन्नता प्रकट करना, 3रे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह संवेग विकसित करता है, कठोर दंड बड़े अनुशासन में शिशु संवेग संतुलन बिगड़ जाता है। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, एक प्रश्न आज परीक्षा में फिक्स आता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है? इसमें बालकों में संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए क्योंकि आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट प्रभावी हो जाते हैं। यहां पे देखते हैं बालकों में संवेग पर नियंत्रण के लिए बालक में समूह के प्रभाव घृणा गुस्सा ईर्ष्या द्वेष अवांछित ढंग से आ जाते हैं। बालक में समलिंगी प्रेम टोली के प्रति प्रेम मतलब अपने गोल के प्रति खुशी के साथ साथ भय क्रोध इसमें अनुसार प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में कैसा विकास होता है? तीव्र विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिंता तनाव होता है, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, माता पिता पारिवारिक संबंध में तनाव होने पर इच्छा पूर्ति न होने पर किशोर तनाव में रहते हैं। देखिए
प्रेम दया क्रोध सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब एक बार अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लेंगे, लास्ट टाइम अगर परीक्षा के एक घंटे पहले भी एक बार इसकी देख लेंगे ना एक घंटे में, तो लगभग आपके तैयारी जो पूरी हो जाएगी। काम भावना पूर्ण तीव्र हो जाती है, विषम लिंगी प्रति प्रेम का विकास होता है, किशोर शारीरिक कमजोरी असफलता बीमारी आलोचना करने वाले लोगों कारण भय तीव्र संवेग पैदा होता है, बालक के क्रियात्मक ग्रामक विकास। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों नियंत्रण करना सीख जाता है, यह बालक के भीतर योग्यता व कौशल होता है। माने जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे का क्रियात्मक विकास होता है, जैसे जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में बैठना उठना उछलना दौड़ना फेंकना ये सब होता है। हरलाक के अनुसार क्रियात्मक विकास तात्पर्य मांसपेशियों उन गतिविधियों से नियंत्रण से जो जन्म के समय जन्मप्रांत निरर्थक अनिश्चित होती है। आगे देखिएगा, देखिए कुरान क्रो के अनुसार क्या है, गामक क्रियाओं कौशल प्रकार क्या क्या, जैसे स्थूल पेशी कौशल, स्थूल क्रियात्मक विकास, सकल मोटर कौशल विकास, इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मात्रा से सक्रिय हो जाती हैं। जैसे जब बच्चा चलता है, दौड़ता है, गेंद फेंकता है, कूदता है, साइकिल चलाना सीखता है, नाचना सीखता है, घुटनों के बल भागता है, और इसमें क्या होती है, मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। तो ये आप चाहे इसके स्क्रीनशॉट रख ले, मैं ज्यादा आप समय आपका नहीं लूंगा। प्लेटो के अनुसार बच्चे की देखभाल एवं परवरिश जिस प्रकार से की जाती है उसी तरह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। बालक का दाएं हाथ होना माने स्वरी देन है, बालक के क्रियात्मक विकास से पहले सिर क्षेत्र में होता है, फिर गर्दन मुख गर्दन धड़ पैर के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से बालक पहले आंखों की घुमाना, सिर हिलाना, चीजों को पकड़ना, अंत में खड़ा होना और चलना सीखता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे चाहे तो आप नोट डाउन कर लें। बालक में भाषा का विकास, बालक में भाषा का विकास क्या होता है ये देखते हैं। बालक की पहली भाषा होती है, जब शिशु का जन्म होता है पहली बार कदम करता है वही बालक की पहली भाषा होती है। किसी प्रकार स्वर व्यंजन अक्षर ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है वैसे स्वर व्यंजन अक्षर की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है, कौन सा शब्द बोलता है कमेंट करके बताइए। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, सामान्यतः देखा गया शैशवावस्था में लड़कों के बच्चे लड़कियों भाषा अधिक विकास होता है, बाल्यावस्था किशोरावस्था में भी लड़कियों का विकास लड़कों के बच्चे अधिक तेज होता है, इसी कारण लड़की अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज होती है। हरलाक के अनुसार, स्टीवन के अनुसार बालकों की तुलना बालिकाओं के साथ भंडार अधिक होता है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, रख लीजिएगा। भाषा के भाग 4 होते हैं, स्विमनम ध्वनिनम, यह ध्वनि शब्द छोटी इकाई होती है, इसमें खुद से कोई मतलब नहीं होता। बालक शैशवावस्था में ऐसी भाषा निकालता है, ई थ च प ध। रूपिम रूप ग्राम माने यह छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, बालक ऐसा बोलता है, इसका प्रयोग शैशवावस्था में होता है। कल चल पल भल कल नल, ठीक। वाक्य विन्यास, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो, उस वाक्य का कोई अर्थ हो न हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन वाक्य बन गया है। चलिए आगे चलते हैं, अर्थ विन्यास, जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हो, अर्थात जब वाक्य सभी अर्थ पूर्ण किए गए हो तो अर्थ विन्यास कहलाता है। श्यामा चाय पीती है, तो 4 प्रकार के होते हैं भाषा भाग, इनके 4 भाग होते हैं। भाषा सीखने के साधन इंपॉर्टेंट है, यहां परीक्षा में सवाल आ चुके हैं, पहले अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा, इसे बोलकर अपनी बात कहता है, श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। सांकेतिक भाषा,
इशारा करके। जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया, लिखित भाषा लिखकर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं लिखित भाषा है, स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की गति क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, शायद एक काम आ जाए। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की गति 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3, 1 से 3 वर्ष में 19, तो ये आप लोग को रख लीजिएगा, शब्द इंपॉर्टेंट है। भाषा चरण की अवस्थाएं, कंद या रोना, बालक की प्रथम ध्वनि पहली भाषा जन्म के पश्चात शिशु में सहज क्रिया के रूप में क्रंद पाया जाता है, यह भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। बबलाना या बालालापन, कुडक माने 309 माह जैसे दादा बा का, बालक के लिए खेल है, जैसे बालक संतुष्टि आनंद की अनुभूति होती है। अंग विच्छेद भाव भाव, बालक अपने भाव को विचार को अभिव्यक्त करता है, जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है। लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही है ना, एनर्जी की बात नहीं, मेरी तबीयत नहीं सही, फिर भी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं दवा खा खा के। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी सैमसन और लिपिस्ट के अनुसार बालक के शब्दकोश क्या है, देख लीजिएगा। भाषा विकास सिद्धांत चोमस्की, एक प्रश्न पूछा जाता है, फिलाडेल्फिया के हैं ये। इनके अनुसार भाषा विकास जन्मजात योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों का तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उनकी आख्या नहीं कर सकते। चोमस्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चे स्वतः होता है, जिससे किसी भाषा को सुनते हैं व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। इन्होंने भाषा सीखने के नियम बताए, 27 संरचना का नियम, गहरी संरचना का नियम, इससे में बोलना पढ़ना लिखना इत्यादि आता है। गहरी संरचना का नियम, इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। चोमस्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यह प्रश्न हूबहू लाइन पूछा आपकी परीक्षा में, जिसे भाषा के अर्जन तंत्र नाम से जाना जाता है। बालक की भाषा सुनना उसकी व्याकरण अपने आप सीख ले जाता है, इसलिए सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। जैसे हम ही आपसे कहें कि ईबीसी क्लास इसके बाद होगी, तो आप अगर चाहकर भी ग्रामर गलत करके बोल सकते हैं, जैसे अगली क्लास ईबीएस की होगी, तो जरा इसकी ग्रामर सेंटेंस बदल कर देखिए, क्या आप ऐसा कर पाते हैं, क्या ऐसा करना आपके लिए पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, बालक का नैतिक विकास, यहां से स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और यहां से प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, और समय कम है क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा दे रहे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। केंद्रीय अवस्था, पूर्ण नैतिक अवस्था, आधारहीन अवस्था, इसके बाद अगली चरण में जब परीक्षा में आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद कभी पढ़ना होगा तो आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। चलिए जैसे आईएएस को पढ़ना ही पड़ेगा, मैं लग रहा है इंपॉर्टेंट है, हम तो सोचे आगे चलना पड़ेगा। देखिए नैतिक व्यवहार का मतलब है समाज के नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना, मोरल माने व्यवहार, विधि, रीति रिवाज, लोक विधियां सीखना। तो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहनबर्ग ने पूर्ण नैतिक विकास को निम्न अवस्थाओं का आधार पर समझाया। पूर्ण नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, स्व केंद्रीय अवस्था 3 से 6, परंपराओं के धारण करने की अवस्था 7 से 12, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था 13 से 18, किशोरावस्था, आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ तक। पूर्ण नैतिक अवस्था यह जन्म से 2 वर्ष तक है, इसमें बालक किसी भी प्रकार नैतिकता का बच्चा नहीं की जा सकती, क्या अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो अपनी इच्छा भावनाओं को संयुक्त पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जो मन में आता है। फिर आते हैं स्व केंद्रीय अवस्था 3 से 6 वर्ष तक का होता है, इस अवस्था में बालक अपनी व्यक्तिगत अवस्थाओं और इच्छाओं की पूर्ति चारों ओर से केंद्रित करता है, परंपराओं के धारणा करने की अवस्था, बालक सामाजिकता गुण धारण कर लेता है, समाज के नियम जो होते हैं, नैतिक मूल्य विकास, चरित्र निर्माण, कब घर में आएंगे, कौन सा पैर छूना है, क्या करना है। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था यह किशोरावस्था जुड़ी, इस अवस्था में बालक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है, वह अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधित गुणों की स्वयं आलोचना करता है, पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं संतुष्ट रहता है,
नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता व्यवहारिकता से काफी दूर हो जाती है। कोलबर्ग ने 1958 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यह है। उन्होंने नैतिकता के विकास सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां ली। यह प्रश्न का पूछा जा चुका है। कोहलबर्ग ने इन कहानियों से बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में प्रसिद्ध हाइनेच की कहानी प्रसिद्ध है। उन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार किया, कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछना, निर्णय निकलवाना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लें। इसकी पीडीएफ आपको हम बता देते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगी या ई लर्निंग मित्र के ऐप प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इस सिद्धांत को कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई। नैतिक विकास अवस्थाएं कुल 6 अवस्था उन्होंने बताई। प्री कन्वेंशन स्टेज, पूर्व पारंपरिक, पूर्व परंपरागत अवस्था, सहस्वावस्था 4 से 10 वर्ष। मतलब इसमें क्या होता है, वह जैसा देखता है वैसा सीखता है, बाहरी घटना के पे ही वह सही गलत बताता है। बालक में तर्क चिंतन के आधार बाहरी घटना होती है। इसकी भी 2 अवस्था होती है, आज्ञा दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। ठीक है, मतलब इस अवस्था में बालक नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन बालक नैतिक विकास शुरू हो जाता है। अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे नैतिक बातें सीखता है, जैसा देखता वैसा सीखता है। आज्ञा दंड मतलब इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंडित ना कर दिया जाए, दंड ना मिले। अहंकार की अवस्था, बालक अहम का भाव रहता है। कन्वेंशन स्टेज, पारंपरिक परंपरागत अवस्था, ये 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इसमें भी 2 होते हैं। प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का अच्छी लड़की, जैसे इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है, बहुत अच्छा लड़का यार, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो यार, क्या बात है। सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, बालक समाज द्वारा निर्धारित अवस्था को नियम के प्रति सम्मान रखता है। पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, बालक नैतिक विकास लगभग यहां भी 2 अवस्था होता है, सामाजिक समझौता, विवेक की अवस्था। काफी डीप में आपके नोट्स हैं, ताकि पढ़ने के बाद कोई ये नहीं कहे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, यहां से परीक्षा प्रश्न नहीं आते। अब आते हैं जीन पियाजे के, ये हो गया था ना, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के 2 भागों में बांटा है। एक काम करते हैं, जीन पियाजे के बाद एक अगली वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की संख्या कम है और आप इसके बाद जैसे जीन पियाजे हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आते हैं। जीन पियाजे जी वो गए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है यूरी बॉनफ्रेनर है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट थियोरी है। फिर वाइगोत्स्की है, ठीक है, फिर क्या है, वाइगोत्स्की जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनके सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत क्या है, ZPD क्या, अभी कोई हम पढ़ा रहे थे, कोई ZPD पूछा था, ठीक है। चलिए निम्नता JPD क्या है, आगे इसके बारे में लोग बात कर लेंगे। बालक विकास के कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक क्या है, बालक विकास के परिणाम क्या है, इनको हम लोग आगे देख लेंगे। वैसे आप लोग कहेंगे तो मैं भाई MCQ ही लाएंगे अगर आप लोग यही पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों आप लोग MCQ के चक्कर में पड़े रहते हैं। वंशाक्रम का सिद्धांत क्या है, इनका प्रभाव क्या होता है, वातावरण क्या होता है, बालक पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे कुछ की पॉइंट है, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लें अपने पास। जैसे वातावरण प्रभाव क्या क्या होता है बच्चों पर, ये है। फिर रहन सहन की शैली, विनम माता पिता, कठोर अनुशासित, प्रिय, स्नेह से वंचित, बालक सखा, ये चीजें देख लीजिएगा। बालक बहुमुखी प्रभाव, वंश परंपरा, गुड़े वातावरण और विकास होता है। बालक का विकास वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल होता है। बाल विकास सिद्धांत कुछ है जो परीक्षा पूछे जाते हैं, जैसे सम मनोलैंगिक विकास समाधान फ्रायड का है, मनो सामाजिक सिद्धांत इरिक एरिक्सन का है, नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग का है, सामाजिक संवेगी पस्ती का सिद्धांत यूरी बॉनफ्रेनवेनर का है, भाषाई विकास सिद्धांत चौमास्की जी का है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। एक प्रश्न आज आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है।
हाँ ठीक है, जैसा कहेंगे आप आज देख लीजिए आप लोग। कुछ चीज़ें हैं जो आप गिरिकर जॉन मेंडल मॉनसून को नियम का जनक माना जाता है। गिरिकर जॉन मेंडल ने शोध मटर पर किया था, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वंश सानुक्रम समानताओं और विभिन्नताओं के उपस्थिति प्रारंभिक आभास ग्रीस के दार्शनिक अस्तु के विचारों से मिलता है। देखिए काफ़ी की महत्वपूर्ण ये सब की पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी एक तरफ है, इसको भी हम लोग आगे अब कल ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चीजें हम लेकर आएंगे। कुछ अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या है, अब अधिगम ही शुरू हो जाता है, यहीं से आपका अधिगम शुरू हो जाएगा। अधिगम विशेषता क्या, अधिगम के प्रकार क्या, अधिगम में क्या क्या चीजें आती हैं, थर्ड डाइक ने अधिगम सीखने का नियम दिया है, तो इसको एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के लिए इतना ही। रॉबर्ट गेने सभी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब आज की सीरीज में ही से बात करते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है, और अगर आप चाहें संपूर्ण चीज़ें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, वहाँ पर आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगली क्लास की जो लिंक है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है अगली क्लास आपके लिए हो तो आप लोग तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम था, और अगर आपने इस नोट्स को एक बार पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया, मतलब मुझे लगता है 6-7 घंटे लगेंगे पूरा कंप्लीट पढ़ने में, 8 घंटे लगेंगे, तो इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कुछ देर के बाद अगली क्लास होगी जिसकी लिंक हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। और फिर भी कोई प्रश्न, कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये थांडाई की बिल्ली बेचारी यहाँ पे पैक है, आप लोगों को भी दिख रहा है ना, थांडाई की बिल्ला यही है। चलिए इस थ्योरी को भी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, और इसके बाद एक एक टॉपिक पढ़ाया होता तो ज़्यादा सही रहता, अच्छा भी आता, मज़ा भी आता, लेकिन अब क्या किया जाए, आप लोग को थ्योरी खत्म करनी थी तो मैराथन के रूप में ले लिया। एक आठ क्लास और ले लेंगे ना तो लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अन्य क्लास भी करवा देंगे। थैंक यू आप सभी का, पुनः जय हिंद जय भारत। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ ले, कोई नहीं है, ठीक, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नोट्स चीजें आपको मिल जाएंगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।